तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ सिंगिया से भेजा गांव, और जो बिहार के लोगों को उन्हें पता होगा भेजा गांव कहाँ पर है। तो सिंगिया से भेजा गांव जाने के लिए जो हमारा रूट बनता है वो सबसे पहले होता है सिंगिया से बेर चौक, बेर चौक से बिरौल, और बिरौल से 17 नंबर का जो हाईवे है वो पकड़ते हैं और आगे जाके हमें लेना होता है लेफ्ट। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि भेजा गांव क्यों फेमस है। भेजा गांव, अगर आपने कोशी नदी सुनी होगी तो कोशी नदी भेजा गांव के पास ही बहती है, और साथ ही साथ वहाँ पर इस वजह से खेत और बाकी जंगल है वो बहुत सारे हैं। तो तो और वहाँ के लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो चलिए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा आज का जर्नी कैसा रहता है और भेजा गांव सच में कैसा दिखता है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सफर। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं बेर चौक, और अगर बेर चौक की बात करूं तो यहां से आप जा सकते हैं कुशेसर, दरभंगा, सुपौल, बिरौल, सहरसा, तो पूर्णिया जा सकते हैं। तो ये बहुत ही मेन जगह है अगर आप कहीं दूसरी जगह के लिए ट्रैवल करते हैं या फिर आप किसी गाड़ी से निकलते हैं। तो यहां पे फिलहाल हमें बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिली है, लेकिन अदर डे बहुत ज़्यादा जाम होता है यहां पर, क्योंकि रोड बहुत कंजेस्टेड है और छोटे हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे, तो ये शुक्र है कि मिला। और ऊपर आप देखोगे बेनीपुर, सुपौल, बिरौल, सहरसा, दरभंगा, तो ये यहाँ का मेन लाइन है, यहाँ का मेन रूट है। तो यहाँ पे हमने क्रॉस कर दिया और यहाँ से निकल रहे हम लोग आगे, और पहले जाएंगे हम लोग बिरौल। तो दोस्तों अभी हम लोग रुके हैं हरिनगर फाटक पे, और यहाँ से ट्रेन जा रही है जो कि आती है दरभंगा से हरिनगर, और इसका दो टाइम का टाइमिंग है यहाँ पे आने का, मतलब एक सुबह आती है और एक आती है शाम को। और अगर आप ट्रेन की बात करो तो मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा ट्रेन बिल्कुल खाली है, तो ये टोटली लॉस ही है ट्रेन का, और मतलब रेलवे इंडियन रेलवेज का, कि ट्रेन वहाँ से खाली आ रही है और लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा लेती है और जो रूट बनाया है वो बहुत ज़्यादा ऑड है। तो फाटक खुल गया और यहाँ से हम लोग जाते हैं अपने आगे के सफ़र में। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं कोशी नदी के बांध पर, मतलब बेसिकली इसको बांध ही बोला जाता है गांव में, ताकि इधर का पानी इधर ना सके। और मैं आपको राइट साइड दिखाता हूं, ये पूरा कोशी नदी है। आपने सुना होगा कोशी, कमला और बलान, तो ये उसी में से कोशी है। इस साइड मेन नदी है और इस साइड यहाँ से जो थोड़ा सा पानी डाइवर्ट होके आ जाता है वो है, और बीच में इसको रोकने के लिए बनाया है बांध। तो यहाँ से हमें ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट लगेगा अभी भेजा गांव पहुँचने में। और ये देखिए, और अगर मुझे वहाँ पर कोशी नदी का थोड़ा एरिया मिलता तो मैं वहाँ पे आपको पास जाके दिखाऊंगा कि कितना साफ पानी है इस नदी का अभी भी। और ये है दोस्तों कोशी नदी, यहाँ पर नाव तैर रहे हैं। और ये मेन रीज़न है कि यहाँ पर जितना भी एरिया है उसमें खेती बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पानी उनको प्रॉपर मिलता रहता है और पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इस साइड है जो थोड़ा सा पानी इधर के बाढ़ की वजह से आ जाता है। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं जहाँ हमें जाना है, भेजा गांव, और तब तक आप इंजॉय करिए यहाँ का नज़ारा।
दोस्तों मैं पूछ रहा हूँ भेजा गांव और गांव कुछ ऐसा है। इधर घर है वो मैं अभी आपको जाके दिखाऊंगा, बाकी फिलहाल बाहर का जो नज़ारा है ना वो औसम है। मतलब छोटा सा तालाब बना हुआ है जो मतलब जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है और बाकी चारों तरफ जंगल ही जंगल है। तो ऐसा आपको इन्वायरमेंट और ऐसा मतलब ग्रीनरी आपको आसपास देखने को नहीं मिलता। और यही चीज़ देखने के लिए हम लोग दिल्ली से या फिर नोएडा से बहुत दूर दूर जाते हैं पैसे खर्च करके, और ये चीज़ें आपको बिहार में मुफ्त में मिल जाती। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सामने का व्यू कैसा है। और ये देखिए दोस्तों, ये है अपना घर और इसमें एक साइड जो है ये आपको पुराना वाला मकान देखने को मिलेगा। मतलब जिस टाइप से पुराने टाइम में बनाते थे, ऊपर टीन है लेकिन कुछ टाइम पहले यहाँ पे खपरा होगा ये है। और इस साइड मिलेगा आपको वाइट वॉश वाला घर, मतलब जो नए तरीके का घर है। ये जीना इधर, बाकी सारी चीज़ें। और आंगन में आपको ये तुलसी का पेड़, ये इधर बैठक के लिए रूम, और बाकी ये जो स्ट्रक्चर है ये पुराने टाइम का है। मतलब जब यहाँ पहले कभी घर रहा होगा तो मे बी कुछ टाइम बाद इसको रेनोवेट करके प्रॉपर घर बनाया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पर ये कंडीशन है। और दोस्तों भेजा गांव का अगर मैं स्पेशल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पर बाहर के शोर शराबे से या फिर मार्केट से या फिर किसी भी तरीके से जहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती हो, यहाँ पे ऐसा कुछ भी जगह नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा साथ नहीं है जहाँ पर आपको ज़्यादा शोर सुनाई दे या फिर लोग बाग ज़्यादा दिखाई दें। तो ये इस जगह को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है क्योंकि मुझे ऐसी जगह ही पसंद है जहाँ पर शांति हो, ग्रीनरी हो। तो कुछ ऐसा माहौल है और यहाँ से बहुत दूर जाके आपको लोग दिखते हैं, मतलब मार्केट या फिर बाकी सारी चीज़ दिखते हैं। तो मैं इतना दूर जाऊंगा ही नहीं क्योंकि मुझे ऐसी जगह पसंद है और यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा और आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही, तब तक मैं आपको यहाँ की ग्रीनरी और बाकी सारी चीज़ें इस वीडियो में दिखाता हूँ। और इधर झाकू, इधर देखो सांप है क्या?